हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक स्टॉलवर्ट का इंटरेस्टिंग सक्सेसफुल केस डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर पेरेस किमिड ने अपेंडिसाइटिस का एक केस 1927 की इंटरनेशनल होम्योपैथिक कांग्रेस में सुनाया, जो इस प्रकार है। न्यूयॉर्क के बोर्डिंग हाउस में 2 दिन आने के बाद मुझे एक फ्रेंच अध्यापक के कष्ट को दूर करने के लिए बुलाया गया। वे लगभग 45 वर्ष के थे और पेट में भयानक दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। चिल्लाहट के साथ उल्टी भी कर रहे थे। परीक्षा से पता चला कि पेट तना हुआ है। पेट पर स्पर्श करते ही दर्द महसूस होता है। दर्द दाईं तरफ इलायक फोसा यानी कि छोटी आंत के अंतिम स्थान पर है। पेट दर्द का स्थान बिल्कुल निश्चित था। कब्ज थी, भूख नहीं थी। हिलने डुलने से दर्द बढ़ता था। रोगी पीठ पर लेटा हुआ था। बुखार था, अधीर था, बेचैन था, पसीने से तर था और समझता था कि अजीर्ण रोग है। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, नाड़ी 100 थी। मैंने उसे ब्राइनिया 1 mg की एक मात्रा दी। उसके बाद प्रति घंटा प्लेसीबो देता रहा। औषधि देने के 2 घंटे बाद बेचैनी तथा पेट दर्द जाता रहा और रोगी ने कहा कि वह ठीक है। इसके 48 घंटे बाद उसे भारी टट्टी आई। कुछ दिन तक सहनशीलता बनी रही, बाद में रोगी भला चंगा हो गया। तो ये था अपेंडिसाइटिस का एक तुरंत ठीक किया गया केस। जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि होम्योपैथी में एक्यूट डिजीज़ का इलाज नहीं है या होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, तो इस तरह के सक्सेसफुल केसेस को डिस्कस करके हम सभी में ये जो मिथ हैं ये टूटते हैं। कॉमन लोगों में जो अवधारणाएँ गलत बनी हुई हैं होम्योपैथी को लेकर, वो दूर होती हैं। कि देखिए कितनी जल्दी होम्योपैथी में अपेंडिसाइटिस जैसे एक्यूट जो इलनेसेस हैं उनका इलाज तुरंत किया जा सकता है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊं कि ब्राइनिया 1 mg का देखिए कितना वंडरफुल रिजल्ट उन्होंने दिखाया है इस केस में, कि केवल ब्राइनिया 1 mg के एक डोज से इतना जो अपेंडिसाइटिस का हवा बना रहता है, सर्जरीज होती हैं उनको, उन्होंने सिर्फ ब्राइनिया 1 mg के एक डोज से अपेंडिसाइटिस को पूरी तरह से क्योर कर दिया पेशेंट में। तो आपको कैसा लगा ये केस? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस अगर आपको और जानने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।